भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, कल जो टप्पू सेना की एड आने वाली है टीवी पे, तो सोसाइटी कंपाउंड में एक बड़ा स्क्रीन और प्रोजेक्टर लगा के सब लोग साथ में मिलकर देखे तो जल्दी मुझे फोन दीजिए ना। क्यों? वो देख रहा है कि नहीं वो पूछना है। एक मिनट, कौन सुंदर टाइम पर लाइट गई है अचानक यार, ये देखा, ये सुंदर का नाम लिया और लाइट गई, एक नंबर का नरकुंडी है तेरा भाई। अब आप मेरे वीर को कोसना बंद कीजिए और जल्दी से लाइट चालू करवाइए ना। अरे क्या लाइट, बच्चे से पूछा लाइट क्यों चली गई, मुझे क्या पता ऐसी लाइट चली जाएगी। तो देखो ना, तुम्हें समझना चाहिए, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तुम्हारे होती है लाइट जा कैसे सकती है, क्या पता नहीं क्या मैं बता रही हूं। अरे कोई जाके देखो तो सही क्या हुआ है। अरे भाइयों सुनो मेरी बात, शांति रखो, मैं तो सब बोलना चाह रहा हूं, सुनो जरा। ऐसे चिल्लाने से लाइट आ जाएगी क्या? अरे मुझे लगता है पूरे एरिया की लाइट गई है। मुझे पहले से ही पता था कि साथ में मिलकर एड देखने का प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है। बोला, लेकिन मैंने पहले बोला नहीं क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था। पोपटलाल भाई, कभी तो शुभ शुभ बोलिए आप। और नहीं तो क्या? अरे मुझे लगता है लाइट को आपकी नजर लग गई होगी। साची वाची हो? हाँ पोपट भाई, आप हमेशा कैंसल कैंसल कहते रहते हो और फिर सब कैंसल हो जाता है। और नहीं तो क्या, एक नंबर का डिब्बा है डिब्बा। एक मिनट शिस्त रखिए प्लीज। अरे क्या शिस्त रखो, तुम्हारा ट्यूशन क्लास है क्या? शिस्त रखो, तू हो गया बेशिस्त। ये क्या मैनेजमेंट है तुम्हारे होता हुआ, ये पावर कैसे गया? तो फिर बोलो, ये गलत बात है। अरे क्या गलत बात है, अभी पावर का इसमें मेरी क्या गलती है? सोसाइटी के सेक्रेटरी तुम हो तो हम तो तुमको ही बोलेंगे ना भाई। भीड़े भाई, ये सब मासूम बच्चों के चेहरे को जरा देखिए और लाइट का जल्दी कुछ कीजिए। जल्दी कुछ कीजिए मतलब क्या करूँ दया भाभी, अभी लाइट लाने के लिए क्या लाइट के खंबे पे चढ़ जाऊँ मैं? भीड़े, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, जरूरत पड़ने पर तुम्हें खंबे पर भी चढ़ना चाहिए। और नहीं तो क्या? हाँ, भाई और नहीं देखा, बात मत करो उसको, भाई चढ़ाओ चढ़ाओ खंबे पे चढ़ाओ। अरे यार एक मिनट, सॉरी अपने पास जनरेटर है भाई, किधर है बता? अरे किधर है मतलब तुम क्या ऐसे लेके जाओगे मुझे? उतर मुझे उतर। देखो अपने पास जनरेटर है ऑफिस में, वो लेके आते हैं। अरे भाई जनरेटर है तो तुम्हारे मुंह में मग भरे कब बोलेगा तू भाई? अब तो ये चाबी ले और ऑफिस में से जनरेटर लेके आ भाई। कौन सा ऑफिस? पोस्ट ऑफिस में से। अरे भाई अपने सोसाइटी के ऑफिस में से। जल्दी लेके आ भाई जल्दी, सोसाइटी का ऑफिस है। अली यार रिचा, तुम जल्दी डायरेक्टर भाई को फोन करो और कहो कि इधर लाइट चली गई है इसलिए एड रोक दे, और जब यहाँ लाइट आ जाएगी तब हम उनको फोन करेंगे, फिर एड दिखाना शुरू करें जल्दी। अरे दया भाभी, ऐसे में किसी को फोन करके एड का टेलीकास्ट नहीं रुकवा सकती हूँ। आप जानती हैं चैनल वाले एड पहले से ही भेज देते हैं और फिर सैटेलाइट की मदद से पूरे एशिया में वो एड एक साथ दिखाया जाता है। ओहो सैटेलाइट, अरे सैटेलाइट में तो सुंदर के कई पहचान वाले हैं। हाँ, हमारे सैटेलाइट एरिया की एक भी गली ऐसी नहीं होगी जहाँ पर सुंदर को कोई पहचानता ना हो। अरे डोबी, वो अहमदाबाद के सैटेलाइट रोड की बात नहीं कर रहे? और सैटेलाइट मतलब उपग्रह, उपग्रह की बात कर रहे? हाँ। ओ अच्छा, लेकिन वहाँ पर भी तपास करो तो सुंदर का कोई ना कोई पहचान वाला तो मिल ही जाएगा। वैसे जेठालाल दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसे सुंदरलाल की हरकतें हैं वो किसी दूसरे ग्रह का ही है। टप्पू के पापा जल्दी फोन दीजिए ना। क्यों क्या करना है? चाय बनानी है। अरे फोन पर बात ही कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं? किसको बात करनी? और सुंदर, अरे यहाँ पर तो लाइट चली गई है। उसको बोलो उसका नाम लेते हैं, लाइट गई। वहाँ पर लाइट है? एक मिनट, चालू रखो चालू रखो।
टप्पू के पापा, अहमदाबाद में तो लाइट है, तो एड देखने के लिए हम सब अहमदाबाद नहीं जा सकते हैं। हाँ क्या एड शुरू हो गई? बनियान की ऐड है। हाँ माँ सब पता चला। क्या ऐड शुरू हो गई? अरे अभी शुरू हो गई ऐड। देखो अरे भाई कौन सी? अच्छा स्कूटर की ऐड। अब दूसरी आ रही है। ए माँ बंद कर दीजिए। अभी आ गई है। खत्म यार। क्रैक शुरू हो गया है। अरे क्या तो कब से है माँ शुरू हो गया? तो लाया कट कर इसको। सुंदर भाई फोन करती हूँ। चलो यार मैच शुरू हो गया, यानी ये तो कंफर्म है कि इस ब्रेक में तो एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है ना। लेकिन अगर दूसरे ब्रेक तक भी लाइट नहीं आई तो? पापा हम क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्या आती यार, तू क्या पोपटलाल बनता है? शुभ बोलना। क्या मेहता साहब आप भी? अरे भैया हाँ हाँ बोल क्या हुआ अब्दुल? जनरेटर लगा दिया गया है। वो चालू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल नहीं है। भाई ये तो यार क्या करता है यार, तो ये जनरेटर रखता है तो चेक करके रखना चाहिए ना, उसमें पेट्रोल है नहीं है वो सब। क्या करता है तू, देखना चाहिए जनरेटर ठीक है कि नहीं है। मुझे ये बिल्डिंग मास्टर का काम ही ऐसा है, किसने सेक्रेटरी बनाया इसको? माता बोलता अभी इलेक्शन करो, दूसरा सेक्रेटरी लगाओ इधर। हाँ सही है बिल्कुल। शांति 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 रखो यार, अब पेट्रोल मिल गया। पतलो फटाफट जाओ जल्दी जनरेटर में पेट्रोल डालो, जनरेटर ऑन कर। ओके यार तू ही मेरा सबसे प्राय यार। थैंक यू वेरी मच। ओए थैंक यू सर, तुझे कहना चाहिए पिड़े। क्यों? क्योंकि पेट्रोल तेरे स्कूटर से ही तो निकाले। मैच में ही आएगा ना एड। हाँ हाँ होगा। चल चल भाई जल्दी बॉल डाल इधर एड देखने का। तुम्हारी थकान का इलाज है मेरे पास, चोकोडे। सिर्फ एक चम्मच चोकोडे आपके बच्चों की थकान दूर करे और दे उन्हें दिन भर की चुस्ती और शक्ति। अब हर स्फूर्तिले बच्चे की एनर्जी का राज। बाबू जी को पगे लगा कि नहीं? वेरी गुड बॉलिंग बेटा, बाप से बढ़ के। हेलो हाँ सुंदर, एक मिनट यार, सुंदर का फोन आमदा आ गया। हेलो सुंदर टप्पू हो गया। देखा अरे तू टप्पू कर लो। मामा एड देखी, मैं कैसा लग रहा था? थैंक यू मामा। पाय लगी बड़का भैया। हाँ हमने क्या अभी देख ली। हाँ सब ये है अल्लाह कोली से बतियावा। ला बतियावा। अरे ताऊ जी थैंक यू ताऊ जी। हेलो हाँ हाँ बोला बोला बाबा।
हाँ, बघितली बघितली. एक मिनिट देतो एक मिनिट. बाबाचा फोन रत्नागिरी वरून. अरे दादाजी कैसे हो? आर कैसी लगी? अच्छी लगी. सुरेश भाई से. अच्छा अच्छा हेलो. हाँ टप्पू ऐसा. हाँ देखा हमने. वैसे एक बात तो है, तारीफ करनी होगी इन बच्चों की जिन्होंने कमाल कर दिया. पहली बार गोकुल धाम का कोई व्यक्ति, चाहे छोटे बच्चे ही सही, टेलीविजन पे नजर आए हैं. एक बार निकले जोरदार तालियां बजाइए. सचमुच मैं जानता हूं आप सब जो माता पिता हैं उनको कितनी खुशी हो रही होगी जब आप स्वयं अपना कोई सपना पूरा करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है. लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा तब लगता है जब आपका अपना बच्चा आपसे दो कदम आगे निकल जाए. और आज इन्होंने करके दिखा दिया. तो मैं अब उन सितारों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जिनकी वजह से हम सबकी आंखों की चमक और बढ़ गई है. वो है टप्पू सेना. तुरंत आइए यहाँ पे. वेरी गुड. लेकिन रुकिए मेरे दोस्तों, रुकिए. टप्पू सेना अभी पूरी नहीं हुई है. एक कोई और है जिसके बिना टप्पू सेना कंप्लीट नहीं हो सकती. None other than but Gogi. एक छोटा सा शेर जो किसी शायर ने कहा है, शहसवार उन्हें कहते हैं जो घोड़े पे चलते हैं और तिफल उन्हें कहते हैं जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में. वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे. तुझे समझ में आया क्या बोले हो? नहीं. वावा क्या कर रही है? माँ के संस्कार. हाँ मेरी माँ हमेशा कहती है कि शायरी समझ में आए या न आए वाह वाह जरूर करनी चाहिए. क्या है उससे सुनाने वाले को अच्छा लगता है. लेकिन दोस्तों मैं इन बच्चों को सिर्फ तालियां ही नहीं देना चाहता, मैं इन्हें एक विशेष भेंट भी देना चाहता हूँ. मैं इनके लिए लेके आया हूँ कलम. अरे वाह! और मैं चाहता हूँ कि इस कलम से ये आप सभी के ख्वाबों को हकीकत में उकेर दें. सबसे पहले ये टप्पू के लिए तालियां. गोगी, गोली, पिंकू, सोनू. लेकिन दोस्तों मैं किसी को भूल रहा हूं और उसे भूलना तो बिल्कुल भी लाजमी नहीं होगा क्योंकि अगर वो शख्स गोकुल धाम में मौजूद नहीं होता तो ये एडवर्टाइजमेंट नहीं बनता, इन बच्चों को ये कलम नहीं दी जाती. वो कौन है? वो है रीटा रिपोर्टर. बहुत अच्छा, शाबाश रीटा. वेरी गुड रीटा. थैंक यू वेरी मच. मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से तुम्हारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने इन बच्चों को इस लायक समझा कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में काम किया और इन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया. तो? इन्होंने पूरे गोकुलधाम का नाम रोशन किया है. बोला सिर्फ और किसका किया है भाई? इसलिए इन बच्चों के लिए कुछ कहने के पहले मैं रीटा को कुछ देना चाहता हूँ. और इन बच्चों के लिए अब मेरे पास सिर्फ तीन शब्द हैं. हिप हिप हुर्रे. क्या बात है, क्या बात है. भाई वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह. नहीं नहीं कोई लागवा कोई जान पहचान कुछ नहीं, ऐसे ही सामने से ऑफर आया और उसने कर लिया ऐड. हाँ अरे वही तो, आप तो जानते हो हमारा खानदान में आगे पीछे कोई है एक्टर कोई नहीं. इसका नसीब में होगा ना देखो. बस बाकी एकदम फर्स्ट क्लास है. अब घर में तबियत हाई क्लास. मेरी जलेबी जैसी और बापूजी की कड़क फाफड़ा जैसी. हाँ ओके चलो जय जिनेन्द्र. ना बोल दूंगा बापूजी को. हाँ
अरे किसका फोन था भाई? अरे बाबूजी सूरत से बच्चू काका का फोन था। वो कल टप्पू की एड देख के तो खुश हो गए तो फोन किया। अरे वाह, और बच्चू कैसा है? वो तो पूछने का ही रह गया बाबूजी। अरे हाँ? अरे बापूजी टप्पू की एड ने तो हंगामा मचा दिया है। अच्छा, पता है हमारी अहमदाबाद की पोल के घर घर से इतने फोन आए कि बहुत फोन आए। अभी तो टप्पू की छोटी सी एड आई है टीवी पे, उसमें इतना हंगामा मच गया तो सोचा कल को हमारा टप्पू बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा तो क्या होगा। हाँ, और मुझे तो दया सुबह सुबह सपना भी आया कि हमारा टप्पू हीरो बन गया। बोलो। अच्छा तो चलो आपका सपना साकार कर देते हैं। मतलब आज से टप्पू को स्कूल भेजना बंद करके उसको हीरो बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और मैं अभी सुंदर को मुंबई बुला लेती हूँ और उसको टप्पू का भीड़े भाई बना देती हूँ। टप्पू का भीड़े भाई क्या बोल रही है तू? मैं समझाती हूँ। देखिए वो हीरो लोगों का वो सब काम होता है ना, वो कौन संभालता है? उसका सेक्रेटरी। और भीड़े भाई हमारी सोसाइटी का क्या है? सेक्रेटरी। तो हुआ ना सुंदर टप्पू का भीड़े भाई। और सोचिए टप्पू हीरो बनेगा तो करोड़ों रुपए कमाएगा। दया अभी टप्पू की पढ़ाई करने की उम्र है, करोड़ों कमाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, पहले पढ़ाई समझे? क्यों बाबूजी? ये पहली बार तूने अक्ल वाली बात की। और इसकी अक्ल घास चरने गई है। अरे मैं तो टप्पू को स्कूल नहीं भेजने का झूठ मूठ का कह रही थी, आपको टेस्टिंग कर रही थी कि कहीं आपके मन में टप्पू को हीरो बनाने की लालच तो पैदा नहीं हो गई है? मम्मी, अरे मम्मी, हाँ। मम्मी टिफिन और वाटर वाटर। हाँ हाँ, क्या तैयारी है? आज स्कूल जाने का बाबूजी है, आज स्कूल जाकर दोस्तों के सामने होशियारी मारनी है ना, कल मैं टीवी पर आया था। हाँ पापा। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र पापा। अरे अच्छा सुन, जय जिनेंद्र बेटा, पहले मेरी बात सुन। देख टपुड़ा, एक बात याद रखना, तू टीवी पे आ गया है इस बात का बिल्कुल अभिमान मत करना है। सबके साथ वैसे ही बर्ताव करना जैसे पहले करता था। हाँ दादाजी। बराबर है। जय जिनेंद्र। बाय दादाजी। बाय बाय बेटा। जय जय जिनेंद्र। बाय मम्मी। जय जिनेंद्र। टप्पू भैया। अले ये क्यों नहीं डाला बैग में पहले? सॉरी। हेलो, थैंक्स, ओके बाय। हाय, पता है किसका फोन था? किसका? मेरी क्लासमेट निराली का। वो कभी मुझसे सीधी तरह से बात नहीं करती। कल उसने मेरी एड देखी और अभी पता है मेरी तारीफ कर रही थी। अब मैं उसको स्कूल में देखती हूँ। हाँ हाँ सोनू, ये गलत एटीट्यूड है। तू जैसी है वैसे ही तुझे रहना है, याद रखा? सोनू आई बरोबर बोलते, कर लो ना, एक एड फिल्म में काम करने से तुम अलग नहीं बन जाती सबसे। एक बात हमेशा याद रखो, जीवन में मनुष्य को कितनी भी सफलता क्यों न मिले, उसके पांव हमेशा जमीन पर रहने चाहिए, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कर लो। कर लो। चल अता, उशीर होई। चला बाय। बाय जाना। हाँ हो। बाय। बोली माय बेबी माय बच्चा, टीवी पे आके बहुत फेमस हो गया तू। अच्छा सुन, स्कूल में सबके क्या रिएक्शन से मुझे आकर बताना, ओके? यस मम्मी। और हाँ बेटा, बहुत सारे लोग तुमसे मिलने आएंगे, कोई तुम्हें नाश्ते पे, कोई तुम्हें खाने पे इनवाइट करेगा। हाँ बोल देना, हम सब साथ में जाएंगे। यस पापा। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मम्मी। बाय।
अच्छा बाय लव यू लव यू बेटा सुनो 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 बच्चे लोग टप्पू सोनू तुम्हारी पूरी टीम को प्रिंसिपल मैडम बुला रही है चलो 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 यस मिस टप्पू सोनू गोली एंड पिंकू आप सबको एड में आने के लिए हमारे स्कूल की ओर से बहुत बहुत बधाई थैंक यू मैम आप चारों ने एड में आकर हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है थैंक यू मैम प्रेस वालों को हमारी फोटो खींचनी है पेपर में देने के लिए Smile, please. एक मिनट एक मिनट एक मिनट गोगी तुम एड में नहीं थे ना तो तुम जरा बाहर आ जाओ बेटा प्लीज लेट हो रहा है बाहर आ जाओ जल्दी से चलो जल्दी से सफलता की तस्वीर से अचानक किसी को अलग कर दिया जाए तो कितना बुरा लगता है ठीक ऐसा ही बुरा लग रहा है छोटे से मासूम गोगी को इस वक्त जब उसे ये लग रहा है कि उसके तमाम दोस्त टपू सेना के सारे मित्र एडवर्टाइजमेंट में आ गए इतने फेमस हो गए और वो है कि सफल नहीं लेकिन बच्चों मेरी एक बात समझ लीजिए सफल वही नहीं होते जो एडवर्टाइजमेंट में दिखते हैं या टेलीविजन पे आते हैं या जिनकी अखबारों में फोटो छपते हैं हर आदमी अपने आप में कुछ ना कुछ विशेषता लिए होता है आप भी भीतर झांकिए आप भी पाएंगे कि आपके भीतर कोई ना कोई विशेषता है जो आपको दुनिया से अलग करती है इसलिए सफलता की अपनी अपनी परिभाषा खुद गढ़िए लेकिन इस वक्त गोगी बहुत दुखी है हालांकि उसको दुख पहुंचना स्वाभाविक है छोटा सा बच्चा है लेकिन क्या करें बच्चे के दुख को दूर तो करना पड़ेगा और इस दुख में इस छोटे से दुख और गुस्से के बीच में कहीं वो कुछ कर न ले कहीं कुछ ऐसी हरकत न कर ले जो बाकी सबकी परेशानी का सबब बन जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम गोगी और देश के तमाम बच्चों के साथ हैं उनके दुखों को दूर करने के लिए उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए यही हमारा प्रण है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा हेलो दोस्तों अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।